मौसम इस वक्त तेजी से बदल गया है। अगले एक दो सप्ताह में तेजी की कड़कती हुई सर्दियां शुरू होने वाली हैं। और आपको बता दें कि दिवाली के बाद तो वैसे भी मौसम ठंडा हो ही जाता है। सर्दियों का मौसम लोगों को खूब भाता है। इस मौसम में खाने पीने और घूमने फिरने का मजा ही अलग होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समर और आप देख रहे हैं फैमिली गुरु। चलिए शुरुआत करते हैं आज की लाइफ स्टाइल टिप्स से। दोस्तों आपको बता दें कि कई जगहों पर सर्दियों में बर्फबारी शुरू हो जाती है और लोग इसका जमकर लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि छुट्टियों का मजा ही अलग होता है। अब जब भी छुट्टी पड़ेगी और सर्दियों में अगर आपको बर्फबारी देखनी है, घूमने जाना है, तो आज हम आपको कुछ ऐसी खास जगह बताने वाले हैं जहां पर आप जाकर अपने छुट्टियों का मजा ले सकते हैं। दोस्तों आज आपको देश की 5 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां सर्दियों के मौसम में आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। यहां आपको शांति और सुकून के साथ प्रकृति के स्वर्ग जैसे नजारे देखने को मिलेंगे। इससे आपका दिल और दिमाग खुश हो जाएगा। चलिए इन जगहों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नाम आता है गुलमर्ग का। दोस्तों कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ की खूबसूरती देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। सर्दियों के मौसम में जम्मू कश्मीर बेहद मनमोहक हो जाता है। इस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे सुंदर जगहों में गुलमर्ग का नाम पहले नंबर पर आता है। गुलमर्ग हर मौसम में बेहद आकर्षक रहता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ के नजारे आपको दीवाना बना देंगे। पहाड़ों पर बसा ये शहर सर्दियों में बर्फ से ढक जाता है और यहाँ की झीलें जम जाती हैं। ऐसे में आप स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसी एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की केबल कार की सवारी काफी फेमस है। अब बात करते हैं शिमला की। दोस्तों शिमला का नाम तो आपने बखूबी ही सुन लिया होगा या जानते होंगे शिमला के बारे में। खूबसूरत जगहों का जिक्र हो और हिमाचल प्रदेश का नाम ना आए ऐसा मुमकिन नहीं है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सर्दियों में सैलानियों के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। बर्फबारी का आनंद लेने वाले लोगों के लिए शिमला उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। शिमला शहर घुमादार पहाड़ियों और बर्फ से ढके जंगलों से घिरा हुआ है, जहां जाकर आप प्रकृति में खो जाएंगे। यहां आप माल रोड पर सर्दियों में मनमोहक नजारे देखते हुए गर्म चाय की चुस्कियां ले सकते हैं। यहां की आइस स्केटिंग काफी प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं ओली की। दोस्तों ये आकर्षक जगह उत्तराखंड में स्थित है। पहाड़ों पर बसी इस जगह से आप नंदा देवी, नीलकंठ और अन्य बर्फ से ढके पर्वतों की शानदार चोटियां देख सकते हैं। इस जगह को अपनी बर्फबारी के लिए जाना जाता है। इसे भारत के सर्वश्रेष्ठ स्कीइंग डेस्टिनेशन के तौर पर भी जाना जाता है। सर्दियों में इस स्थान पर जाने से आपको ऐसा लगेगा जैसे सफेद स्वर्ग में आ गए हो। यहाँ का पूरा नजारा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ होता है। बर्फबारी का आनंद लेने वाले लोगों और रोमांचक एक्टिविटीज के शौकीन सर्दियों में ओली का रुख कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गोवा की। दोस्तों सर्दियों की शुरुआत पार्टी के साथ करना पसंद है तो आप गोवा का रुख कर सकते हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए गोवा एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे भारत की पार्टी राजधानी भी कहा जाता है। शानदार मौसम, शांत समुद्र तट और रोमांचक नाइट क्लब गोवा को बेहद खास बना देते हैं। ये जगह गोवा कार्निवल, गोवा फिल्म फेस्टिवल और क्रिसमस पार्टियों के लिए काफी पसंद की जाती है। अगर आप सर्दियों में मौज मस्ती करना चाहते हैं तो वो गोवा घूमने का प्लान बना सकते हैं। अब बात करते हैं वायनाड। प्रकृति के मनमोहक नजारों के लिए साउथ इंडियन राज्य केरल परफेक्ट हो सकता है। केरल का शहर वायनाड हिल स्टेशन सर्दियों का आनंद लेने के लिए गजब की जगह है। वायनाड बेहद खूबसूरत और मनमोहक जगह है, जहां जाकर आप शांति और सुकून भी महसूस कर सकेंगे। इस शहर में वह हर चीज है जिसकी उम्मीद लोग छुट्टियां मनाते वक्त करते हैं। यहां का खाना, कल्चर और प्राकृतिक जगह आपको दीवाना बना देंगी। वायनाड में कई ट्रेनिंग ट्रेल्स हैं जो पूरे देश से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जहां जाकर आप साउथ इंडिया की झलक देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जगह पसंद आई होंगी, क्योंकि हमने आपको छोटे छोटे नज़ारे वीडियो के जरिए और इतनी सारी इमेजेस के जरिए आपको दिखा दिए हैं।
अब आपको क्या करना है, अब बस आप घूमने निकल जाइए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और साथ साथ अपनी फैमिली के साथ, और घूम के आइए खूबसूरत नज़ारे, और ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए फैमिली ग्रुप को। अब दीजिए समय को इजाज़त, शुक्रिया।